पंचायत चुनाव में इंटरव्यू और प्रचार के लिए संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8002820182 अथवा हमें व्हाट्सएप करें 9525338184। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत तीसरे चरण अंतर्गत श्रीवंशी थानागर अनुमंडल में होने वाले चुनाव को लेकर आज प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया है। इसी के निमित्त निर्वाचित पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, अपर संभारता श्री पंकज कुमार सिंह तथा सामान्य प्रेक्षक श्री बंशीधरनगर अनुमंडल श्री अनिल कुमार ने अभ्यर्थियों के साथ बैठक भी की। मौके पर व्यय प्रेक्षक श्री बंशीधरनगर अनुमंडल, नोडल पदाधिकारी व्यय कोसांग, सहायक निर्वाचित पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य श्री संजय कुमार व श्री तूफान कुमार पोद्दार भी मौजूद रहे। बैठक में सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता का निश्चित तौर पर सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्हें व्यय कोषांग के पदाधिकारी के द्वारा व्यय लेखा पंजी का संधारण करने के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन की तिथि से लेकर मतगणना का परिणाम घोषित करने की तिथि तक किए गए सभी खर्चों का ब्यौरा व्यय लेखा पंजी में प्रतिदिन संधारित करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने श्री बंशीधरनगर अनुमंडल के जिला परिषद सदस्य पद से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 19 मई 2022 को अनुमंडल कार्यालय श्री बंशीधरनगर में व्यय कोषांग में जांच हेतु प्रस्तुत करने की बात कही, जिसमें दिनांक 18 मई तक किए गए खर्चों का ब्यौरा सम्मिलित होगा। उन्होंने कहा कि अंतिम रूप से व्यय लेखा पंजी जमा करने की तिथि से संबंधित सूचना आपको आगे उपलब्ध करा दी जाएगी। जिला परिषद सदस्य के पद हेतु आवेदन दिए गए प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्चा सीमा 2,14,000 रुपए निर्धारित है। इससे ज्यादा खर्च करने वाले अभ्यर्थियों की जांच कर इसकी सूचना आयोग को दी जाएगी और उन पर नियत संगत कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं सामान्य प्रेक्षक श्री अनिल कुमार ने सभी प्रत्याशियों को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने में अपना योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुए चुनाव सम्पन्न कराया जाए। निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संचालन को लेकर जिले में गढ़वा अनुमंडल हेतु कृषि उत्पादन बाजार समिति गढ़वा, श्री बंशीधरनगर अनुमंडल हेतु राजकीयकृत उच्च विद्यालय +2 नगर उटारी तथा रंका अनुमंडल हेतु उच्च विद्यालय रंका को व्रज गृह एवं मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा जिले में कुल 12 कोषांगों का गठन किया गया है जो निर्वाचन कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिले में 1950 निःशुल्क मतदाता हेल्पलाइन नंबर भी कार्यरत है, जिसकी मदद से लोग अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत करा सकते हैं।